मैं गौतम रत्ना सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज हम बाबा साहब द्वारा लिखे हुए वॉल्यूम नंबर 2 में बाबा साहब ने क्या क्या हमें दिया है, क्या क्या समाज को दिया है, वो हम आपको बताएंगे। और वो इसलिए इस चीज़ को हम ऑनलाइन फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल पे लाना पड़ा है, हमें इसकी ज़रूरत है समाज को, क्योंकि जो हार्ड कॉपी में जो लिटरेचर था, ये बाबा साहब की जो जितने भी लिटरेचर हैं, जितने भी वॉल्यूम हैं, ये अब कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मैं पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रहा था ख़रीदने के लिए, मुझे नहीं मिल पाए, पर हमने कहीं से अरेंज करके सबको दोबारा से टाइप करके और सब आपको लाइव के माध्यम से आपको बताएंगे कि बाबा साहब ने क्या कहा है इसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, पेज नंबर 2021 से वॉल्यूम 2। अंग्रेज सदा ही इस बात पर जोर देते रहे हैं कि भारत की प्रतिनिधि सरकार के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके लोग जातियों तथा संप्रदायों में बटे हुए हैं। पर यह भारत राजनीति क्योंकि उन्नत वर्ग को स्वीकार नहीं है। वे कहते हैं कि यूरोप में भारत जैसे सामाजिक विभाजन हैं और उसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त तथ्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में सामाजिक विभाजन यदि भारत से अधिक नहीं है तो उसके बराबर तो है ही। भारत की भांति ही अमेरिका में भी आपराधिक षड्यंत्र और विश्वास के सूत्र में बंधे लोग अथवा समूह हैं जो जनता का शोषण करते हैं। वहाँ न केवल राजनीतिक उपविभाजन है अपितु औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा धार्मिक संघ भी हैं, जिनके लक्ष्य तथा अभिभूतियां एक दूसरे से भिन्न हैं। तो अमेरिका में जो सिस्टम है वो बाबा साहब ने यहाँ अपने लिखित इस वॉल्यूम में बयान किया है, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 27-28 में क्या संग्रहित है ये हमारे बाबा साहब द्वारा लिखी हुई किताब में, बाबा साहब ने जो उनका आइडियोलॉजी है। डॉक्टर साहब ने साउथबेरी कमेटी के समक्ष दिए गए साक्ष में कहा है कि संविधान सुधार संबंधी रिपोर्ट को तैयार करने वाले भी सीमित तथा एक रूप मताधिकार के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है, हमारा विचार है कि मताधिकार को यथासंभव व्यापक बनाया जाना वांछनीय है। उनकी सीमाओं का निर्धारण व्यावहारिक कठिनाइयों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उनकी पूर्व निश्चित कसौटियों के आधार पर कि योग्यता निश्चित करने के लिए कितनी शिक्षा अथवा कितनी आमदनी हो। यह संभव है कि जनसंख्या तथा धन के असमान वितरण के कारण न केवल प्रांतों के बीच बल्कि एक ही प्रांत के अलग अलग हिस्सों के बीच वोट संबंधी योग्यताओं में अंतर करना जरूरी हो सकता है। इसमें मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि हो न केवल प्रांतों अथवा उन हिस्सों के बीच वोट संबंधी योग्यताओं में अंतर करने चाहिए, बल्कि एक प्रांत के समुदाय के बीच भी करना चाहिए। तो ये बाबा साहब ने जो वॉल्यूम 2 पेज नंबर 27 पे जो लिखा है, जो बयान किया है, जो दर्ज है, वो हम आपको बता रहे हैं। यही अंतर नहीं होगा तो अल्पसंख्यक में धनवान और पढ़े लिखे लोगों वाले चंद समुदाय अधिक वोट प्राप्त कर लेंगे और गरीब अनपढ़ लोगों वाले बहुसंख्यक समुदाय कम वोट प्राप्त करेगा। मताधिकार संबंधी एक रूपता समाप्त कर दी जानी चाहिए। इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा कि कुछ ब्राह्मणोत्तर समुदाय आजकल सीटों के लिए जिस संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व अथवा आरक्षण मांग कर रहे हैं वो समाप्त हो जाएगी। तो ये जिस संदर्भ में बाबा साहब ने ये दिया है, ये जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ बाबा साहब को, ये पृथक निर्वाचन एक के लिए बाबा साहब ने प्रस्ताव रखा था, जो उस टाइम के जो कांग्रेस के लोग थे या जो भी लोग उनके साथ में थे,
उन लोगों ने पृथक निर्वाचन आयोग की बाबा साहब की बात को नहीं माना, नकार दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर अस्पृश्य लोग, अछूत लोग दया के पात्र समझे जाते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक योजना में उनके इस आधार पर उपेक्षा कर दी जाती है कि उनका कोई ऐसा हित नहीं है जिसकी रक्षा की जाए। लेकिन फिर भी उनके हित सबसे महान हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई बहुत बड़ी संपत्ति है जो जब्त हो, जिसे जब्त होने से बचाया जाए। उनके तो अस्तित्व ही जब्त कर लिया गया है, उनका तो अस्तित्व ही जब्त कर लिया गया है। तो ये बाबा साहब के जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके बारे में ये व्याख्या बाबा साहब ने दी कि उनके जो अछूत हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। सामाजिक धार्मिक आशंकाओं ने अस्पृश्यता को मानव के स्तर से गिरा दिया है। अतः दबे लोग, उनके हित मानव मात्र के हित हैं। ऐसे महत्वपूर्ण हितों की तुलना में संपत्ति हित तो कुछ भी नहीं है। उनका कहने का मतलब है बाबा साहब का कि जो पिछड़े लोग हैं, उनके जो रेस्पेक्ट है या उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, उनके तुलना में देखा जाए तो संपत्ति हित तो कुछ भी नहीं है। उसको बटन दबाकर जीवन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण के पक्ष में जो अनेक तर्क किए जाते हैं, उनमें से एक यह है कि मुख्यतः वह उसके ही प्रभाव का प्रताप है कि सभी प्राचीनतम देशों में केवल भारत का ही अस्तित्व आज तक बना और बचा रहा है। यह कथन प्राय ऐसे लोगों के श्रीमुख से भी सुना जाता है जिनके मत को सहजता से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस कथन की प्रामाणिकता अथवा अप्रामाणिकता के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। अस्तित्व में बने रहने की बात को मानते हुए मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। वह यह है कि अस्तित्व में बने रहने के अनेक तरीके हैं और उन सभी की समान रूप से प्रशंसा नहीं की जा सकती। यथा अवसर को देखते हुए रण क्षेत्र में पीछे हटने से संभव है कि कमजोर श्रेणी के लोगों को जीवित रहने का मौका मिल जाए। हो सकता है कि पंत होने के घुटने टेकने की क्षमता भी स्थिति का डटकर मुकाबला करने की भांति हो। किन्हीं लोगों के जीवित रहने की शर्त बन जाए। अतः सामान्य धारणा की भांति यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यदि युग युग में किन्हीं लोगों का अस्तित्व चला रहा है तो युग युग से फल फूल और सुधर रहे हैं। महत्व अस्तित्व में बने रहने का नहीं है, बल्कि अस्तित्व की गुणवत्ता और उसके स्तर का है। तो यहाँ पर भी बाबा साहब ने यही कहा है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनको कम से कम जीवित रहने की एक अच्छा जीवन जीने की कहीं ना कहीं से उनको कुछ तो उनका जरिया बनना चाहिए या कुछ उनको मिलना चाहिए, या मतलब जिस तरह के हालात में वो रहते आए हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह से उनको हम क्या दे सकते हैं, कैसे उनके जीवन के स्तर को सुधार सकते हैं। तो ये आज का एपिसोड, कल नए एपिसोड के साथ, नए बाबा साहब के थॉट्स के साथ हम मिलेंगे आपसे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।